मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। नमस्कार, कुकिंग में शालिनी में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे दूध वाले आटे की पूरी। ये पूरी बहुत ही सॉफ्ट बनती है। हम जब सफर पे जाते हैं तो हम इसको लेकर जा सकते हैं। ये 2-3 दिन तक बिल्कुल ठीक रहती है और सॉफ्ट भी बहुत बनती है। बहुत ही नरम होती है, ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगती है। ये पूरी हम बही रोटी पे भी बनाते हैं। बही रोटी पंजाबियों का त्यौहार है, सावा तिल्ला। दूध वाले आटे की जो पूरी है ये बहुत ही टेस्टी बनती है। इस साल में 2 बार ये व्रत आता है, एक होलियों से पहले और एक जन्माष्टमी से पहले। इसमें भी जो है ये पूरी दूध वाले आटे की बनती है, बहुत ही टेस्टी लगती है। आइए देखते हैं इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। दूध वाले आटे की पूरी बनाने के लिए हमें चाहिए आटा और दूध। आइए अब हम बनाना शुरू करें अपने दूध वाले आटे की पूरी। पूरी बनाने के लिए हमने परात में आटा ले लिया है। इसमें हम थोड़ा सा दूध डालेंगे। और आटे को गूंद लेंगे। अच्छे से हमने दूध को आटे के अंदर मिक्स कर लेना है। थोड़ा दूध हम इसमें और डालेंगे और इसको भी मिक्स कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके हमने दूध को डालना है। थोड़ा और डालेंगे। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, बस इतना ही पानी। हमने तकरीबन 1 कड़छी बड़ी वाली के करीब हमने पानी डालना है। बाकी हमने जो है दूध ही डालना है। इसी तरह हम आटा को गूंद लेंगे। अब हमने पानी नहीं डालना है, हमने सिर्फ दूध के साथ ही आटे को गूंदना है। हमने जो है इसका हार्ड डो बनाना है। अच्छे से हम इसको अब बाइंड कर लेंगे। आटा हमारा गूंद गया है, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा हम हाथ में तेल लेंगे, रिफाइंड ऑयल, और एक बार इसको दोबारा से गूंद लेंगे। आधे घंटे तक हम इसको रखेंगे ताकि हमारा आटा सेट हो जाए। आटा हमारा सेट हो गया है, आधा घंटा हो गया है इसको। अब हम इसको एक बार और मल लेंगे। हल्का सा हम हाथ में रिफाइंड ऑयल लगाएंगे। और इसको मल लेंगे। आटा हमारा तैयार हो गया है। अब हम इसके पेड़े बना लेंगे। छोटे छोटे हमने पूरी के साइज के पेड़े बनाने हैं। कुछ इस तरह से इतना साइज हम लेंगे। आप अपनी मर्जी से जितना साइज चाहें उतना उस साइज की पूड़ियाँ बना सकते हैं। इस तरह से हमने जो है पेड़े सारी आटे के बना लेने हैं। अब हम इसको बेलेंगे। रिफाइंड ऑयल हमने गरम कर लिया है, इसको हम बेलना शुरू करेंगे। हमने इसमें बिल्कुल भी सूखा आटा नहीं लगाना है, हमने जो है इस पर रिफाइंड ऑयल लगाएंगे। रिफाइंड ऑयल थोड़ा सा हम अपना साइड पे निकाल लेंगे और इसको इस तरह से लेते हुए ऐसे हम इसकी पूरी बना लेंगे। इस तरह से हमने पतली पूरी बना लेनी है। सूखा आटा बिल्कुल हम इसमें नहीं लगाएंगे। आप देख सकते हैं कुछ पूरी हमने ऐसे बनानी है, ये बिल्कुल पतली पूरी बेलकर हम जो है रखते रहेंगे साइड पर। आप देख सकते हैं इस तरह से हमने बिल्कुल भी सूखा आटा नहीं लगाया है। रिफाइंड ऑयल हम पेड़े के ऊपर लगाते रहेंगे और इसको बेलते रहेंगे।
इस तरह से हमने सारी पूड़ियाँ अपनी बेल करके तैयार कर लेनी है। रिफाइंड ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है और पूड़ी हमने बेल ली है, इसको अब हम फ्राई करेंगे। इस तरह से हमने इसको हिलाना है, साइड मोड़ लेंगे। इस पूड़ी को हमने रखना है तो इसलिए हम इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, हमने इसको दोनों साइड से इस तरह से कर लेना है और इसको साथ में ही निकाल लेंगे। इसी तरह से हम अपनी बाकी की पूड़ियाँ भी तल लेते हैं। इस पूड़ी को हमने ज़्यादा करारा नहीं करना है, क्रिस्पी नहीं रखेंगे जैसे हम नॉर्मल पूड़ी को रखते हैं, हमने इसको थोड़ा व्हाइटिश टोन में ही रखना है ताकि ये सॉफ्ट रहे। ऐसे हमने इसका ऑयल निकाल लेना है। ये इस तरह से हमने इसको बनाना है। ज़्यादा हमने इस बात का ध्यान रखना है कि पूड़ी हमारी जो है ज़्यादा ब्राउन ना हो। ये बई रोटी का जो फेस्टिवल है इसमें पूड़ी एक रात रख करके अगले दिन खाई जाती है, इसलिए हम इसको क्रिस्प नहीं करते हैं और इस तरह ही वाइट रहने देते हैं। हल्की हल्की हमने पिंकिश टोन में करना है, ये आप देख सकते हैं। दोनों साइड से हमने ऐसे ही कर लेना है, ये निकाल लेंगे इसको। रिफाइंड ऑयल हमारा इसमें तेज़ गर्म होना चाहिए, ठंडे तेल में ये पूड़ियाँ हम नहीं बनाएंगे क्योंकि उसमें ये पूड़ी सही नहीं बनती है, सॉफ्ट नहीं रह जाती है। रिफाइंड ऑयल हमारा जो है तेज़ गर्म होना चाहिए। इस तरह से हम कर लेंगे इसको। ये बई रोटी में खाई जाती है, ये हम मटर आलू के साथ, सूखे मटर आलू के साथ खा सकते हैं, खट्टे वाले बैंगन के साथ खा सकते हैं, मेथी आलू के साथ खा सकते हैं, साग के साथ खा सकते हैं। ये व्रत में ये सब चीज़ें ये खाई जाती हैं। यदि वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सब सब्जियों के लिंक हैं, आप उसमें जाकर रेसिपी देख सकते हैं। पूड़ियाँ मेरी बनकर तैयार हो गई हैं, इसको अब हम सर्व करेंगे। पूड़ियाँ हमारी बनकर तैयार हो चुकी हैं, बहुत ही टेस्टी पूड़ी बनी है, इसे हम सब्जियों के साथ खा सकते हैं। इसे हमने जो है इसको ऐसे एक के ऊपर एक रखकर इस तरह से इसको रखना है, ये आप देख सकते हैं। ये कुछ इस तरह से हम इसको रखेंगे, अच्छे से हमने इसको जो है टाइट करके रखना है। नीचे हमने जो है फ्रेश नैपकिन ले लेना है, उसके ऊपर फॉइल के पेपर के ऊपर हमने इसको अच्छे से इसको बांधकर फिर हम इसको जो है रखेंगे रात भर और अगले दिन हम इसको खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगती है ये, आप इसे मेरी रेसिपी से ज़रूर बनाकर देखिए। अगर आपको पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर करिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।